सूंघ करके आप किताब पढ़ेंगी? हाँ। तो देवी संजो, आप देख रहे हैं कि वंशी ने पट्टी बांध ली है आंखों पर और कह रहे हैं कि मैं सूंघ करके वो किताब पढ़ सकती हैं। सर आप देख सक चेक कर मैं सकते मैं तो नहीं देख सकता। ठहर जाओ, मैं आ रहा हूँ पीछे, चेक करूंगा कि आप नीचे से देख तो नहीं रहे। लेट्स रीड ऑन। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ मर्चेंट। He used to deal in salt. So the merchant was sure that the अच्छा, donkey. अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए। Yes sir. अच्छा एक ये तो हमने सुन लिया है। हाँ। ये भी तो हो सकता है कि आप इसको रट के आई हो। नहीं सर, ये बुक आपकी टीम ने मुझे दी थी। हाँ। तो ये मैंने देखी भी नहीं है कभी पहले। अच्छा ये एक नया चैप्टर खोला है मैंने। ठीक है। ये पढ़िए। Once a grasshopper was sitting outside in the sun during winter. He was very hungry. He had not eaten anything since last night. So he looked around to find something to eat. Suddenly he saw few ants carrying grains into their hole. Okay, रुको रुको रुको। ये भी रट के आई होगी तुम पहले से। पन्ना बलट रहे हैं। ये पढ़ो। Once upon a time, there was an explorer named John de Souza. One day, he and his friends decided to explore a desert named Death Valley. It was called so because nobody returned alive. Why is he doing it? My goodness. Okay. What are you holding on? Devin Sanjo, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये किताब जो थी, ये हमारी टीम ने दी थी वंशी को। ये इसकी किताब नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक भी जगह पर इन्होंने गलती नहीं की। जितने भी लाइंस थी बिल्कुल वैसे इसने पढ़ के बताया। वंशी हमें बताइए कि ये ज्ञान आपको कैसे मिला? सर मैंने एक ब्राइटर माइंड्स का कोर्स किया था, उसमें ब्रेन एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और एक स्पेशल मेडिटेशन म्यूजिक उन्होंने बनाया है। तो वो एक्सरसाइजेस करके और वो म्यूजिक सुन के मैंने ये सब सीखा है। सर मैं बिना देखे कलर भी बता सकती हूँ किसी चीज का, बस पकड़ के। अबे फिर बांधना पड़ेगा आपकी आंख को। इस ट्रे के अंदर बहुत सारी चीजें रखी हैं। ओके सर। राइट। ये क्या है? सर ये एक कप है, येलो कलर है, इसका कलर येलो है। ये क्या है? सर ये एक पेन, स्केच पेन है जो रेड कलर में है। सर ये भी एक पेन है जिसमें रेड और वायलेट पर्पल टाइप का दोनों कलर हैं। सर ये भी एक पेन है जो रेड और ग्रीन कलर है इसमें। वाह। ले रहा हूँ मैं, हो गया इम्तिहान तुम्हारा, पास हो गए आप। अनबिलीवेबल। माय गुडनेस। कहीं भी जा करके आप कोई भी रंग जो है वह पहचान सकते हैं। यस सर। अगर आपकी आंखें बंद हो। यस सर। ये तो अद्भुत कला हो गई है कि नहीं? अनबिलीवेबल वंशी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। इसमें वो लोग कुछ टूल्स, टेक्निक्स, ब्रेन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन
उन सबको कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, फोकस वो सब बढ़ता है। उसमें जैसे मेंटर और मेंटी इतना ज्यादा एसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से कि दे जस्ट 3-4 आवर्स दे जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। ये जो अभी इसने करके दिखाया है वैसे तो जादू लगता है बट वो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन है। जैसे जो हम आंख से देख पाते हैं तो उसको दूसरे सेंस, जनरली जो हम यूज नहीं करते स्मेल सेंस या टच सेंस, वो हम यूज नहीं करते, तो वो विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से।